देखिए आज मैंने क्या बनाया है। आज मैंने बनाया है पम्पकिन ढोकली। तो पम्पकिन ढोकली का नाम ना आपने कभी सुना होगा ना देखा होगा। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। वेज दिनों के लिए भी ये रेसिपी बहुत महंगा मतलब बहुत अच्छा रहता है। चलिए तो देख लेते हैं हमारा गर्मा गर्म पम्पकिन ढोकली या गर्मा गर्म कद्दू की ढोकली कैसे बनते हैं। उपासनास मैजिक मोमेंट चैनल, उपासना की मैजिक मोमेंट चैनल में मैं उपासना फूड ब्लॉगर आप लोगों के सामने आज हाजिर हो गई एक वेजिटेरियन लोगों को डिश के लेके। सिर्फ वेजिटेरियन क्यों, नॉन वेज लोग भी ये खाना को अच्छे से खाएगा। वेज दिनों के लिए जब हम सोचते रहेंगे कि मछली के बिना, अंडा के बिना या चिकन के बिना खाना कैसे बनाएंगे, तो उस दिन के लिए ये रेसिपी मैंने बनाया है। ये रेसिपी इतना स्वादिष्ट बनेगा और इतना तरीके से ये वेज है कि आप इसको गॉट को भी परोस सकते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू दाल की ढोकली। ढोकली आपने खाया होगा, दाल ढोकली भी आपने खाया होगा, बंगाल में इसको ढोका बोलते हैं। पर आज मैं बनाऊंगी कद्दू दाल की ढोकली। दाल ढोकली बनाने के लिए मैं चना दाल को यूज़ करूंगी। आप चाहे तो पीस मटर या मटर दाल भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं चने का दाल की यूज़ करूंगी क्योंकि बंगाल में दाल ढोकली बनाने के लिए चने का दाल ही यूज़ होता है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। चलिए हमको लगेगा चना दाल। इधर मैंने 150 ग्राम चना दाल लिया है। इसको मैंने पानी में 5 से 6 घंटे तक भिगो लिया है। अब मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी। इसके साथ साथ हमें लगेगा चॉप किया हुआ पम्पकिन। देखिए इधर मैंने चॉप किया हुआ पम्पकिन ले लिया है। पम्पकिन को मैं फ्राई कर लूँगी, उसके बाद ढोकली के अंदर ऐड करूँगी। इसके साथ इसका ग्रेवी बनाने के लिए हमको लगेगा टमाटर का पेस्ट या टमाटर का प्यूरी। इधर मैंने फ्रेश टमाटर का प्यूरी लिया है। अगर आप चाहते हो तो टमाटर केचप भी यूज़ कर सकते हैं। इधर मैंने लिया है फ्रेश जिंजर का पेस्ट। आप चाहे तो बाजार का जिंजर पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पर बाजार का जिंजर पेस्ट में गार्लिक मिला हुआ होता है। तो हमेशा वेजिटेरियन डिश बनाने के लिए फ्रेश जिंजर पेस्ट यूज़ कीजिए। इसके बिना हमें लगेगा ग्रीन चिली का पेस्ट। इधर मैंने ग्रीन चिली को पेस्ट करके रखा है। इसके बिना कड़ी में स्वाद के लिए हमें लगेगा स्लिटेड ग्रीन चिली। इधर मैंने ग्रीन चिली को भी स्लिटेड करके रखा है। इसके बिना हमें लगेगा थोड़ा सा मसाला। मसाला जब मैं तैयार करूंगी तब आपको आप एक साथ दिखा दूंगी। देखिए इधर मैं पहले एक मसाला की पेस्ट तैयार करूंगी क्योंकि कुकिंग करने से पहले अगर आप मसाला की पेस्ट पहले तैयार कर ले तो उससे बहुत आसानी होता है। पहले मैं इधर डाल रही हूँ कोरिएंडर पाउडर, मतलब जिसको आप बोलते हैं धनिया पाउडर। इधर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून धनिया पाउडर और उसके साथ हम इसके अंदर डाल रहे हैं लाल मिर्ची पाउडर। मैंने तीखा लाल का लाल मिर्ची पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इधर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। अब मैं इधर डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, मतलब टर्मरिक पाउडर। इधर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। अब चाहे तो अगर टर्मरिक ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून ही डाला। मिर्ची में थोड़ा सा कम डाला क्योंकि ये मिर्ची बहुत ही तीखा होता है। और इसके साथ साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जीरा पाउडर। आप चाहे तो भुना हुआ जीरा भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इसके अंदर नॉर्मल वाला जीरा यूज़ करूँगी। तो मैंने डाल दिया 1 टीस्पून जीरा पाउडर। तो सारे जो मसाला डालना वो हमारा हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी पानी। पानी में इसके अंदर यूज़ करने से पहले इसके अंदर ऐड करूंगी थोड़ा सा सॉल्ट स्वाद के लिए, क्योंकि हम मसाला का पेस्ट अगर अच्छे से बना ले तो मसाला का स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी और उसके बाद अच्छे से इसका एक पेस्ट बना लूँगी। देखिए ज़्यादा ड्राई पेस्ट भी नहीं बनाना है, ज़्यादा वाटरी पेस्ट भी नहीं बनाना है। तो आपने देखा मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, रेड मिर्ची पाउडर और टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, सारे चीज़ को एक साथ मिलाकर मैंने इधर एक मसाला का पेस्ट बना लिया है। अब चलिए कुकिंग को शुरू करते हैं। देखिए कुकिंग को शुरू करने के लिए इधर मैंने पहले एक
हंडी या कढ़ाई को बैठा लिया है। पहले मैं कुकटॉप को ऑन कर लूँगी। ऑन करने के बाद मैं इस पर मैनुअल ऑप्शन डालूँगी और इसका टेम्परेचर को थोड़ा लो कर लूँगी। जैसे ये जो पम्पकिन फ्राई पहले हमें बनाना होगा, पहले हमें पम्पकिन को फ्राई करना होगा। पम्पकिन को फ्राई करने के लिए इधर मैंने यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जीरा। तो देखिए इधर हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ साबुत जीरा, मतलब होल क्यूमिन सीड्स। होल क्यूमिन सीड्स का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं इसके अंदर होल क्यूमिन सीड्स डाल रही हूँ। चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए इधर हमारा जो जीरा है वो अच्छे से पक गया है। आप थोड़ा जूम करके आगे से देखिए, हमारा जीरा अच्छे से पक गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये पम्पकिन का स्लाइसेस। इधर मैंने 50 ग्राम जैसे पम्पकिन का स्लाइसेस लिया है। अगर ज़रूरत पड़े मैंने और 50 ग्राम ज़्यादा यूज़ करूँगी। तो चलिए पम्पकिन को पहले फ्राई कर लेते हैं। अच्छे से हमें पम्पकिन को धीरे धीरे इसके अंदर फ्राई करना है। जैसे ये पम्पकिन धोखली है या पम्पकिन दाल धोखली है, तो इसीलिए इसके अंदर पम्पकिन थोड़ा ज़्यादा लगता है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर और ज़्यादा पम्पकिन चाहिए, इसलिए मैंने और थोड़ा 50 ग्राम जैसा पम्पकिन इसके अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि पम्पकिन जितना क्वांटिटी में अब है, कुछ टाइम के बाद इसके अंदर इतना पम्पकिन रहेगा नहीं। पम्पकिन सॉफ्ट होके थोड़ा क्वांटिटी में कम हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने पम्पकिन को थोड़ा ज़्यादा ही डाला। तो चलिए पम्पकिन को अच्छे से फ्राई करने के लिए हमें इसके अंदर ऐड करना होगा सॉल्ट। सॉल्ट डालते ही पम्पकिन सॉफ्ट होते जाएंगे, तो सॉल्ट ठीक करके डालना है। अगर आप चाहते हो कि सॉल्ट पूरा ही इसके अंदर डाल दे, दाल के अंदर ऐड करेगा नहीं, वरना इसके अंदर इतनी हिसाब करके डालिए कि दाल के अंदर जब आप ऐड करेगा तो सॉल्ट ज़्यादा होगा नहीं। सॉल्ट एक ऐसा चीज़ है, ये अगर ज़्यादा हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए हम पम्पकिन को फ्राई कर रहे हैं। तो चलिए पम्पकिन को फ्राई कर लेते हैं। हम इसको ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाते वक्त हमें पम्पकिन फ्राई होने में टाइम कम लगेगा। तो हम ढक्कन लगा दिया और पम्पकिन को 10 मिनट्स के लिए सॉफ्ट फ्राई करके सॉफ्ट कर लेंगे। देखिए इधर हमारा पम्पकिन तैयार हो रहा है। पम्पकिन को और थोड़ा सॉफ्ट होना होगा, वरना ये अच्छे से पीसेगा नहीं। इसको थोड़ा सा और पकने देते हैं। और इधर देखिए मैंने दाल को, मतलब जो सोख चने दाल आप लोगों को दिखाया था, चने दाल को एकदम अच्छे से स्मूथ कंसिस्टेंसी करके पीस लिया है। आप चाहे तो पम्पकिन फ्राई होने के बाद ये चने दाल के अंदर डाल के इसको पीस सकते हैं, वरना पम्पकिन को बहुत ही सॉफ्ट करके उसको एकदम कढ़ाई में मिला लेने के बाद उसके अंदर ये दाल का पेस्ट को डाल सकते हैं। पर मैं पम्पकिन को फ्राई करने के बाद इसके अंदर पम्पकिन को डाल दूँगी, उसके बाद एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। इससे क्या होगा, हमारा दाल का पेस्ट बनाने में आसानी होगी। तो चलिए इसको तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इधर मैंने सारे पम्पकिन को अच्छे से फ्राई करके एक कटोरा में ले लिया है। अब इसको भी मैं दाल के पेस्ट के अंदर डाल दूँगी। देखिए ऐसे मैंने इसको डाल के पेस्ट के अंदर ही डाल दिया, जितना भी था डाल के पेस्ट के अंदर डाल दिया। अब मैं एक साथ इसको पीस लूँगी, उसके बाद कैसा कंसिस्टेंसी हुआ है आपको दिखाते हैं। देखिए इधर मैंने कितनी अच्छे से पम्पकिन को ये डाल के पेस्ट के अंदर डाल के पेस्ट बना लिया। लग ही नहीं रहा है कि इसके अंदर पम्पकिन मिला हुआ है, पर उसका पम्पकिन का जो स्वाद वो दाल ढोकली के अंदर पूरा आएगा। अब मैं दाल ढोकली को धीरे धीरे सुखा लूँगी, मतलब एक स्टफिंग तैयार करूँगी। आप चाहे तो दाल ढोकली के अंदर अदरक और ग्रीन चिली डाल के एक साथ पीस सकते हैं, पर मैं ग्रीन चिली का पेस्ट, अदरक का पेस्ट जब सुखाऊँगी दाल को कढ़ाई में, तब ऐड करूँगी। तो चलिए दाल सुखाने का प्रिपरेशन शुरू करते हैं। देखिए दाल सुखाने के लिए इधर हमारा थोड़ा सा ऑयल था जिसके अंदर मैं पम्पकिन को फ्राई किया था। ये ऑयल को मैं डिस्कर्ड नहीं करूँगी क्योंकि इसके अंदर पम्पकिन का फ्लेवर जुड़ा हुआ है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और 2 टेबलस्पून ऑयल। ज़्यादा नहीं चाहिए वरना दाल थोड़ा सा ऑयली लगेगा।
इसके अंदर मैं पहली डाल दूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट अगर पहली ऑयल के अंदर डाल देते हैं तो सॉल्ट ज़्यादा नहीं होता है कभी। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 टीस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट, 1 टीस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ मैं। अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं जैसे मेरे जैसी, तो आप 1.5 टीस्पून भी यूज़ कर सकते हैं। और वेज खाना थोड़ा सा तीखा पसंद भी होता है। इधर मैं यूज़ कर रही हूँ जिंजर का पेस्ट, देखिए ज़्यादा नहीं दूंगी मैं, 1 टीस्पून जिंजर का पेस्ट यूज़ किया। और उसके बाद मैं ये सारे चीज़ों को एक साथ फ्राई कर लूँगी। देखिए मैंने सारे चीज़ों को एक साथ फ्राई कर रही हूँ। जब ये जिंजर और ग्रीन चिली एक साथ अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दाल का पेस्ट। लेकिन इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस भी ऐड करना होगा, जैसे टर्मरिक। टर्मरिक तो इसके अंदर मस्ट है, टर्मरिक पाउडर इसके अंदर ऐड करना ही होगा। और अगर आप खाना पसंद करते हैं, अगर आपको तीखा से कुछ प्रॉब्लम नहीं है जैसे मेरे को तीखा से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप थोड़ा सा रेड चिली पाउडर इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, इसके अंदर पहले मैंने 1.5 टीस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट डाला, तो ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। नमक डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया और जिंजर का पेस्ट, ग्रीन चिली का पेस्ट, सब कुछ डाल दिया। अब नाउ दिस इज़ द टाइम टू एडिंग दिस दाल का पेस्ट। तो चलिए हमें दाल का पेस्ट डाल देते हैं। दाल का पेस्ट कैसे डालना है देखिए, पहले थोड़ा सा दाल का पेस्ट डालिए, उसके बाद इसको अच्छे से मिला लीजिए। वरना ऐसा हो सकता है पूरा दाल का पेस्ट आपने डाला, नीचे का जो दाल का पेस्ट है वो जल गया, ये ऐसा नहीं जलना चाहिए। दाल एकदम सूखा होके स्टफिंग हो जाएगा, जैसे हम उसको डायमंड शेप करके काट सकें। तो इसके अंदर और दाल का शेप, जो दाल का पेस्ट है सॉरी, उसको हमें डालना है। पूरा दाल का पेस्ट हमने इसके अंदर डाल दिया, अब हमें अच्छे से इसको मिला लेना है। ये ढक्कन के अंदर थोड़ा सा दाल का पेस्ट है, इसको भी ऐड कर देते हैं। देखिए ऐड कर दिया। मैं किचन में फ़ैन चलाया हुआ है क्योंकि मेरा किचन में बहुत ही गर्म है, जैसे खिड़की छोटा है इसीलिए। अगर आपको सुनने में किसी भी इस तरीके से दिक्कत हो तो आप मेरा सबटाइटल फॉलो कर सकती है। मैं हमेशा मेरे रेसिपी पे सबटाइटल डाल देती हूँ, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी रेसिपी समझने में। आप चाहे तो रेसिपी को कान पे भी सुन सकते हैं, आप चाहे तो मेरा सबटाइटल फॉलो करके भी रेसिपी को जान सकते हैं। मैं पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी का लिंक डालती थी, रेसिपी का कितना क्वांटिटी थे, कितना क्वांटिटी है, पहले मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डालती थी। पर क्या हुआ, कुछ कारण की वजह से मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वो डालना बंद कर दिया, क्योंकि किसी कोई है जिसे मैंने कभी ना कभी मेरा रेसिपी को एकदम डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फॉलो करते हैं, एकदम कॉपी टू कॉपी करते हैं। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर कॉपी करते इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं बहुत मेहनत करके इस रेसिपी को बनाती हूँ, मेरा बुक्स देखे रेसिपी को नोट डाउन करती हूँ, पर उससे अगर कोई भी मैंने रेसिपी मेरा कॉपी करे इससे मुझे पसंद नहीं है। इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रेसिपी डालना बंद कर दिया है। अब मैं जो वीडियो है, वीडियो के अंदर ही सबटाइटल डाल देती हूँ, आप आराम से वो वीडियो को देख के मेरा रेसिपी समझ जाओगे। तो देखिए हमें दाल को ऐसे ही घोट लेना होगा जैसे हम दाल को घोट रहा है, और घोटते घोटते दाल को एकदम सूखा लेना होगा। जब ये दाल एकदम सूख जाएगा, मतलब जिसने हमको पहले वीडियो में सिखाए, दाल ऐसे जब फोल्ड होना शुरू हो जाएगा तभी आपको लगेगा कि दाल का स्टफिंग्स भाई तैयार है। तो चलिए इसको आराम से सुखा लेते हैं। आप लोग देखिए मेरा दाल कितनी अच्छे से पक गई है। जैसे मैंने बोले थे, जब इसको आप फोल्ड करेंगे, अगर आपने देखा कि किधर भी ये नहीं लग रहा है और ऐसे घूम रहा है, किधर भी नहीं लग रहा है,
उस वक्त आप समझिएगा कि दाल का प्रिपरेशन हो चुका है। और आप देखिए दाल अच्छे से फोल्ड भी हो गया है, और जैसे नॉनस्टिक का पैन मैंने यूज़ किया किधर भी लगा भी नहीं। तो चलिए आप ओवन को ऑफ कर देते हैं और दाल को एक प्लेट में निकल कर ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद कैसे दाल से दाल दुपली का डायमंड शेप काटते हैं वो दिखाते हैं। देखिए इधर मैंने दाल को अच्छे से एक जो थाली होता है उसके अंदर फ्रेम डाल लिया। अब हमें हाथों की मदद से इसको धीरे धीरे, बहुत ही गर्म है आप देख सकते हैं तेल कितना है, धीरे धीरे हमें दाल को इसके अंदर प्रेस करना है। और जो कोनों का साइड है उसको ऐसे हमें प्रेस कर देना है कि जब हम इसको काट करेंगे बहुत ही दिखने में अच्छा हो, और अच्छे से इसका कट करने के बाद उसका चकली उठ के आए। तो देखिए इसको मैंने ऐसे ही प्रेस कर दिया और इसे दाल को बिठा दिया। अभी थोड़ा दाल नरम है, जब भी थोड़ा सा हवा के अंदर जाएगा तो दाल अच्छे से सूख जाएगा, तब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके काट करके इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए दाल को 10 से 15 मिनट तक ठंडा कर लेते हैं और थोड़ा सा सूखा लेते हैं, थोड़ा सा जैसे ये जम जाए। देखिए इधर हमारा दाल धोपली एकदम अच्छे से जम गया है, देखिए एकदम टाइट हो गया है। अब हम इससे छोटा छोटा करके पीसेस निकालेंगे और आपको दिखाएंगे कि पीसेस कैसा बना है। पहले देखिए दाल धोपली को कैसे काटना है। आप चाहे तो इसको डायमंड शेप पे काट सकते हैं, उसके लिए पहले आपको ऐसे धोपली को काटना होगा। दाल धोपली हमेशा मोटा होता है, तो आप भी मोटा करके कट कीजिए इसको। मैं ऐसे चार हिस्सा किया, इसके बाद अगर मैं स्क्वायर करते तो ऐसे कट करते, तो जैसे मैं डायमंड शेप कर रही हूँ इसलिए मैं इसको ऐसे कट कर रही हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। तो सारे दाल धोपली को मैंने कट कर लिया। अब आपको दिखाना है कि दाल धोपली कैसे कट किया मैंने। देखिए दाल धोपली का साइज देखिए एकदम डायमंड शेप का हुआ है। और एक दिखाते हैं आपको, एकदम ये चाकू की मदद से ही आपको दाल धोपली को उठाना होगा। देखिए डायमंड शेप हुआ है। और एक दिखाते हैं आपको, ऐसे ही चाकू की मदद से इसको थोड़ा सा चार दीजिए तो ये उठ के हाथ में आ जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे करके मैंने दाल धोपली को बना लिया। तो चलिए पूरा दाल धोपली को ऐसे ही कट कर लेते हैं, आपको कैसे शेप हुआ दिखाते हैं। देखिए इधर मैंने सारे दाल धोपली को कट करके एक प्लेट में ले लिया। अब आपको दिखाने की बारी है कि दाल धोपली कैसे फ्राई करते हैं। देखिए दाल धोपली को फ्राई करने के लिए इधर मैंने 100 ग्राम जैसे ऑयल को गर्म करने के लिए बैटर दिया है। अब आपको परफेक्ट दाल धोपली फ्राई करने का एक तरीका दिखाते हैं। कभी कभार हो सकता है कि जब आप दाल धोपली फ्राई करने जाए तो दाल धोपली तेल के अंदर डालने के बाद ब्रेक हो जाता है। कभी कभी तेल के अंदर डालने के बाद जब आप पलटने जाओ उसको अपोजिट साइड फ्राई करने के लिए, तब ब्रेक हो जाता है। और इधर मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ जिससे आपको दाल धोपली ब्रेक होने का चांसेस नहीं है। इधर मैंने ले लिया है ऑल पर्पस फ्लावर और मैदा। तो मैदा के अंदर कुछ लड़ी नहीं बनाना है, बस मैदा के अंदर ऐसे इसको कोट करना है। इससे कोट होने से इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा और उससे ये ब्रेक होने का चांसेस, स्पेशली ये एजेस, जिस एजेस से ढोकली फ्राई करते वक्त ब्रेक हो जाता है। देखिए मैंने धीरे धीरे मैदा लगा के इसको कोट कर लिया। ऐसे ही आपको इसको कोट करना होगा। आपको दूसरा एक दिखाते हैं। देखिए इधर मैंने सेकेंड एक पीसेस ले लिया और मैंने ऐसे ही ढोकली के अंदर कोट किया। पहले तो एजेस को कोट करना है, ऐसे डाइस करना है, उसके बाद ऐसे राइस करना है, उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा मैदा ऐसे लगा लेना है। इससे क्या होता है, ढोकली ब्रेक होने का चांसेस कम हो जाता है। तो चलिए ऐसे सारे चीज को डाइस कर लेते हैं। देखिए इधर हमारा ऑयल ऑलमोस्ट बन गया है गर्म।
अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक एक पीसेस डाल दूंगी। दाल लोकली फ्राई करने के बाद एक चीज याद रखना है, जब एक साइड पूरा तैयार हो जाए तभी दूसरा साइड पलटना चाहिए। देखिए इधर मैंने तीन दाल लोकली डाल दिया, अब मैं दूसरा दाल लोकली को ऐसे ही डाइस कर रही हूँ। पहले एजेस को ऐसे डाइस किया और उसके बाद इसको हमें ऐसे मैदा के अंदर कोट करना है, जैसे इसके ऊपर मैदा का एक डस्ट लगा हुआ हो, एकदम मैदा से कोट ना हो। तो देखिए ये दाल ढोकली को भी मैं इसके अंदर डाल दिया। मैंने इधर चार दाल ढोकली डाला, लग रहा है इसके अंदर और एक दाल ढोकली चला जाएगा, इसलिए मैंने और एक पीसेस लिया। पहले इसका एजेस को ऐसे डाइस करना है, एजेस को डाइस करना मैंडेटरी है, वरना कभी कभार हो सकता है दाल ढोकली डाल के ऑयल के अंदर जाते ही जब भी इसके अंदर ऑयल टच होगा तो दाल ढोकली ब्रेक हो सकता है। तो देखिए इधर मैंने चारों दाल ढोकली को फ्राई होने के लिए डाल दिया। ऐसे ही हम पूरे दाल ढोकली को फ्राई कर लेंगे। तो पहले इसका एक साइड हो जाने दे, उसके बाद दूसरा साइड पलट के आपको दिखाते हैं कैसे फ्राई हो रहा है। देखिए हमारा दाल ढोकली एक साइड तो शायद हो गया है, इसलिए मैं बहुत ही धीरे इसको पलट लूँगी। इतना ही धीरे इसको पलटना है जैसे दाल ढोकली ब्रेक ना हो जाए। देखिए आप चाहे तो दूसरा वाला एक स्पून का यूज़ भी कर सकते हैं पलटने के लिए। मैं इधर धीरे धीरे पलट रही हूँ, तीनों को पलट लिया, आप मैं चौथा वाला को पलटने वाली हूँ। वाह पलट गया, देखिए एक ब्राउनिश कलर भी इसके अंदर आ गया। आप मैं इसके अंदर ये दाल ढोकली को थोड़ा सा पलट लूँगी, देखिए पलट लिया इसको और ये धीरे धीरे इसके अंदर फ्राई हो रहा है। ऐसे ही हम दाल ढोकली को पूरा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद दाल ढोकली या पम्पकिन दाल ढोकली का प्रिपरेशन कैसे करते हैं आपको दिखाएंगे। तो देखिए इधर मैंने पम्पकिन दाल ढोकली को अच्छे से डायमंड शेप पे काट भी लिया, बहुत ही गर्म है, और इसको अच्छे से फ्राई भी कर लिया। अब चलिए कारीज के प्रिपरेशन शुरू करते हैं। दाल ढोकली या पम्पकिन दाल ढोकली के करी का प्रिपरेशन करने के लिए मैंने ऑन कर लिया इंडक्शन को, और इसके अंदर जो ऑयल था जिसके अंदर मैं ये दाल ढोकली को फ्राई किया था, तो वो वाला ऑयल के अंदर ही मैं जो ग्रेवी है उसको पकाऊंगी। इससे जो ऑयल के अंदर जो दिख रहा है वो है थोड़ा सा मैदा जो मैं दाल ढोकली का ऊपर डाइस किया था, तो वो मैदा भी ऑयल के अंदर चला आएगा, इससे जो ग्रेवी है वो थोड़ा थिक बनेगा। तो ये ऑयल को डिस्कार्ड मत कीजिए, एक बार इसको चला लीजिए, देख लीजिए इसमें कितना सा ऑयल है, ज़्यादा ऑयल है और नहीं चाहिए। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पहले जीरा, जैसे पम्पकिन दाल ढोकली हो या ढोकली का कोई भी प्रिपरेशन हो उसमें जीरा बहुत अच्छा लगता है। डालूँगी दो तीन सूखा मिर्च और एक रेड चिली। टेम्परेचर को थोड़ा सा लो कर लूँगी जैसे मैं मसाला को फ्राई कर रही हूँ। मसाला को धीरे धीरे इसके अंदर चला लेते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, पैकेट को तोड़ लिया मैंने। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पहले सिनेमन का स्टिक, और उसके साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लौंग और हरी इलायची। हरी इलायची और लौंग मैं इसके अंदर ऐड किया, इसको भी मैं धीरे से चला लेंगे। चला लिया, अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी जिंजर का पेस्ट, एक टीस्पून जिंजर का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ मैं। जिंजर का पेस्ट इसके अंदर आप चाहे तो दो टीस्पून भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वेज है खाना तो वेज खाना में जिंजर थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। जिंजर डालने के बाद हमें थोड़ा सा इसको चला लेना होगा। जिंजर डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा चला लिया। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ स्लिटेड ग्रीन चिली, जिससे दाल ढोकली का कड़ी के अंदर बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आए। देखिए अच्छे से फ्राई कर लिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ टमाटर का प्यूरी,
इधर मैंने 2 मीडियम साइज टमाटर का प्यूरी लिया है, पूरा टमाटर को मैं डाल दूंगी इसके अंदर। उसके बाद इसको थोड़ा सा चला लूंगी, जैसे अदरक के साथ और जो खड़ा मसाला डाला है उसके साथ थोड़ा सा फ्राई हो जाए। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये मसाला का पेस्ट जो आप लोगों के सामने मैंने बनाया था, धनिया, जीरा, हल्दी, रेड चिली, ये सब कुछ डाल के सारे मसालों को हम चला लेंगे। तो बाकी जो मसाला इसके अंदर रह गया उसको हम ऐसे ही एक से पानी के अंदर धो डालेंगे। जैसे थोड़ा सा मसाला पक जाए तब भी हम इस पानी को इसके अंदर डाल देंगे। देखिए हम मसाला को अच्छे से इसके अंदर प्रिपरेशन कर लिया, ऐसे मसाला ना जले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मसाला वाला पानी, जो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के लेफ्ट ओवर मसाला के साथ बना लिया था। अब मैं इसको अच्छे से बना लूँगी। इसके अंदर नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने पहले इसके अंदर नमक डाला हुआ है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पानी, क्योंकि हमें ग्रेवी बनाना होगा, इसलिए मैं इसके अंदर डाल दिया पानी। पानी के अंदर मैं डाला था थोड़ा सा मैदा, जैसे ग्रेवी बहुत थिक बने, जैसे मैं इसके अंदर आलू नहीं डाल रही हूँ ना, तो ग्रेवी को बहुत थिक बनना चाहिए। ग्रेवी को अच्छे से पकाने के बाद अगर आप चाहे तो दाल ढोकली को अच्छे से डाल के, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, अगर कुछ कोफ्ता बनाती हूँ या दाल ढोकली बनाती हूँ तो हमेशा ढोकली को अच्छे से डालकर उसके ऊपर मैं ग्रेवी को डालती हूँ, कभी ग्रेवी के अंदर और उसको नहीं डालती हूँ। तो चलिए इसको हम पका लेते हैं। थोड़ा सा ग्रेवी को सुखा लेना होगा, ज़्यादा ग्रेवी है इसको हमें थोड़ा सा चला लेना होगा। देखिए मैंने ग्रेवी को अच्छे से चला लिया। एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, मैं यूट्यूब का काम कर रही हूँ तो मेरे पूरा इनकम बंद हो चुका है, मैं बेटी को लेकर अकेली रहती हूँ, इसलिए मुझे ये यूट्यूब का काम कर रही हूँ, जैसे कुछ पैसा इससे मिल जाए। तो वैसे भी मुझे यूट्यूब का एक्सपेंस चलाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है, जैसे लॉकडाउन के वजह से मेरा ब्यूटीशियन ब्राइडल का काम पूरा बंद हो चुका है और कब खुलेगा उसका कुछ तो पता नहीं। मेरा छोटा बेटी है तो देखिए इसके अंदर पहले मैंने डाल दिया गरम मसाला, एक पिंच डाला, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। मैंने सनराइज़ का गरम मसाला पाउडर यूज़ किया, इसके अंदर मैंने डाल दिया। एकदम लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा घी, पर अब नहीं, पहले मैं ग्रेवी को चला लूँगी। तो जो बात बोल रही थी, अगर आप मुझे कुछ भी डोनेट करना चाहते हैं तो आप मुझे आराम से डोनेट कर सकते हैं। मैं हर बार जब वीडियो को अपलोड करती हूँ तब मैं वीडियो के अंदर मेरा जो UPI का बारकोड है उसको डाल देती हूँ, और अगर आप उस बारकोड को स्कैन करके मुझे कुछ भी डोनेट करना चाहेंगे तो आप आराम से डोनेट कर सकते हैं। आपका कुछ भी डोनेशन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए ग्रेवी पक रहा है, आप टेम्परेचर को थोड़ा सा लो कर देते हैं, थोड़ा सा ग्रेवी ड्राई हो जाए उसके बाद मैं इसके अंदर घी ऐड करेंगे। देखिए हमारा ग्रेवी अच्छे से पक गया है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है, जैसे ये वेज रेसिपी है, मतलब बंगाली में जिसको निरामिष बोलते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा 1 टीस्पून जैसे शक्कर डाला मैंने, क्योंकि शक्कर की स्वाद वेज रेसिपी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए मैंने शक्कर डालने के बाद इसको थोड़ा सा चला लिया, हमारा ग्रेवी ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गया है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुद्ध देसी घी, जो मैंने पतंजलि का यूज़ कर रही हूँ। देखिए इधर मैंने 1 टीस्पून घी डाल दिया, और घी डालने के बाद मैंने घी को अच्छे से इसके अंदर मिला दिया। अब हमारा कुकिंग कंप्लीट हो गया है, इसको हम अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद हम इस ग्रेवी को ढोकले के ऊपर डाल देंगे। ग्रेवी हमारा ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है और इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, गैस को ऑफ, मतलब इंडक्शन को ऑफ कर देते हैं। और चलिए ग्रेवी कैसे प्रिपरेशन करते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए इधर मैंने एक वाइट प्लेट ले लिया, इसके ऊपर मैं ऐसे ऐसे दाल ढोकली को डाल रही हूँ।
चाहे तो एक कोनों में भी डाल सकते हैं। उफ्स, देखिए मैंने लाल लकड़ी को ऐसे सजा दिया एकदम राउंड शेप करके। उससे क्या होगा, एक दाल लकड़ी और उसके साथ दो तीन सब मिल जाएगा। पहले इसको पूरा डाल लेते हैं, उसके बाद हम इसको शेप करेंगे। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी ग्रेवी। तो दाल ढोकली को थोड़ा एकदम थोड़ा सा क्लोज रहना होगा। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ग्रेवी। ग्रेवी को हमें ऐसे डालना है, पहले तो मीडियम में डालना है ग्रेवी को, उसके बाद हमें ग्रेवी को ऐसे इसके ऊपर डाल देना है। देखिए मैंने पूरा ग्रेवी को दाल ढोकली के ऊपर अच्छे से डाल दिया, एकदम भी कुछ बाकी नहीं रह गया। मैंने पूरा ग्रेवी को इसके ऊपर डाल दिया। अब हमें इसको थोड़ा सा कोट करना होगा। देखिए पूरा दाल ढोकली ऊपर है, उसके साथ ग्रेवी भी इसके ऊपर एकदम चला गया है। देखिए एकदम हमारा गर्मा गर्म कद्दू दाल ढोकली बनके तैयार है। आप भी इसको घर पे बनाएं, घर वालों को बना के खिलाएं, घर वालों बहुत खुश हो जाएगा और घर वालों को एक नया रेसिपी खाने को मिलेगा। ये वेजिटेरियन डिश होता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो चलिए इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ, फ्राइड राइस के साथ, पुलाव के साथ सर्व कीजिए। आप जब भगवान जी को भोग बनाएगा तब भी इसको डाल सकते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं डाली हो, आप आराम से इसको भगवान जी को जब भोग परोसेंगे आराम से आप उसके ऊपर डाल सकते हैं। देखिए मैंने कितने अच्छे से दाल ढोकली को ग्रेवी के अंदर कोट कर लिया। जब हम इसको लोगों के लिए परिवेशन करेंगे तब ये दाल ढोकली एकदम ग्रेवी के अंदर सॉफ्ट हो जाएगा और दाल ढोकली तोड़ेगा नहीं। मेरा रेसिपी आज इतना तक ही, लौट के आऊँगी दूसरा एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। और मेरा रेसिपी लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और जिन लोगों ने मेरा रेसिपी डिसलाइक कर रहा है उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगी, मैं एक रेसिपी बनाने के लिए और रेसिपी सिखाने के लिए आप लोगों को बहुत मेहनत करती हूँ। मेरा मेहनत को अगर आप लाइक देना नहीं चाहती है तो नहीं दीजिए, कोई बात नहीं। सबको सब कुछ पसंद नहीं आता है, पर डिसलाइक तो मत दीजिए। मैं अपने छोटे बच्चे को संभाल कर बहुत मेहनत करके रेसिपी बनाती हूँ। आप तो मेरा रेसिपी देखते ही नहीं उससे पहले डिसलाइक दे रहे हैं, फिर भी मेरा लाइक देने वालों ज़्यादा है, इसलिए मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए, इतनों दिन तक मेरा पास रहने के लिए, लाइक सब्सक्राइब एंड व्यूज़ देके मेरे को हेल्प करने के लिए। लौट के आऊँगी दूसरा एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।